और खबर टीकमगढ़ से, जहां जमीन के विवाद में एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद सही इलाके में दहशत का माहौल है। पलेरा जनपद के सुपेरा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। परिजन दोनों जो आरोपी हैं वो हत्या करके दोनों की फरार हो गए हैं। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां आप जमीनी विवाद में एक शख्स और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पलेरा जनपद के सुपेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीकमगढ़ से, जहां जमीन के विवाद में एक पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पलेरा जनपद के सुपेरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार हम फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद, क्या वजह निकल कर आई है इस पूरे हत्याकांड की? जी ये जब सर, ये पलेरा थाने की घटना है सर, सैपरा की गांव की, ये जमीन विवाद को लेकर ये विवाद हुआ है जी। अभी क्या कुछ निकल के आया, आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्या कुछ कहना पुलिस का, कब तक आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे? सर आरोपी तो अभी फरार है, आरोपी की धरपकड़ चल रही है, पुलिस प्रशासन ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। और इसके पहले ये पता चला है सर, अभी इसकी जानकारी थाने पलेरा थाने के अंदर पहले भी दी गई थी, 3 बार FIR उसके द्वारा किया करवाई गई थी, जिसकी घटना ये इसकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता के साथ ना लेने के कारण जी आज ये इतना बड़ा हादसा हट गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।